देखो स्टार्ट करते हैं। आज हम ह्यूमन आई डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई डिफेक्ट्स क्या होते हैं? आई डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं भाई बताओ? 13 13 13 मेन मेन आई डिफेक्ट सर्थी कितने टाइप? थ्री टाइप के। एक्चुअली पहले हम पढ़ेंगे दो टाइप के। कौन कौन से? जैसे पहले तो ये आई है नॉर्मल आई। नॉर्मल आई में कहाँ पे बनती है इमेज? कहाँ पे बनती है? रेटिना रेटिना। रेटिना इमेज इज फ्रेम्ड बाय रेटिना। अगर आपकी इमेज रेटिना पे बन रही है इसका मतलब आपकी आई 100% परफेक्ट है। ये बात क्लियर है? यस अब अगर रेटिना से पहले बन रही है या रेटिना के बाद बन रही है तो हम बोलेंगे कि आपकी आई में कुछ डिफेक्ट, मतलब आपकी नहीं किसी और की, किसी बंदे की आई में कुछ डिफेक्ट है। तो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि हम किस आई को बोलेंगे कि भाई डिफेक्ट है तुम्हारी आई। जब हमारा इमेज रेटिना पे ना बने, कब? जब हमारा इमेज रेटिना पर ना बने तब हम किस क्या बोलेंगे? डिफेक्टेड आई बोलेंगे। क्लियर है? यस सर। अब हम देखते हैं आई डिफेक्ट। आई डिफेक्ट एक्चुअली में मेनली होते हैं दो टाइप की, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रो। मायोपिया में क्या होता है? नियर साइडनेस। नियर साइडनेस, अब नियर साइडनेस का मतलब क्या है? पास की चीजें दिखाई देती हैं नहीं देती हैं? सर पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। बाहर की चीजें दिखाई देती, दूर की नहीं देती। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे मायोपिया के बारे में। ठीक है, मायोपिया, मायोपिया मतलब नियर साइडनेस, मतलब फॉर अबे ऑब्जेक्ट। इसमें से दिखेगा मायोपिया में या नहीं दिखेगा? सर नहीं दिखेगा। और नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जैसे हम पेपर पढ़ते हैं ये नियर बाय ऑब्जेक्ट हो गया ना। दिखेगा। ठीक है, देखो नियर बाय ऑब्जेक्ट अगर आप अपनी आंख से देखोगे वो क्लियर दिखाई देगा, पेशेंट व्यू एकदम क्लियर आएगा। लेकिन नॉर्मल आई का क्या बात? नॉर्मल आई का भी क्या आता था? ये नॉर्मल आई में अगर मैं बोलूं मायोपिया में अगर हमारी नॉर्मल आई है तो क्या होगा? हमारा लाइट जाएगी सिंपल जाके इसकी इमेज कहां बन जाएगी? रेटिना पे। अब अगर डिफेक्टेड आई हुई, डिफेक्टेड आई हुई तो क्या होगा? डिफेक्ट आई मे अराइज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। कुछ आई बॉल के एलोंगेशन की वजह से हमारी आई डिफेक्ट हो सकती है। जैसे आपको दिख रहा है छोटी सी आई है, अभी देखो आई बॉल बड़ी हो गई थोड़ी सी, देखो हो रही है बड़ी, हो रही है कि नहीं? यस सर। जनरली इसकी वजह से भी हो जाती है आई बॉल के एलोंगेशन। तो गले में थोड़ी सी दिक्कत है, मैं चाह रहा था कम बोलूं बट आप बुलवा के छोड़ो गए। द लाइट रेज फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज्ड एट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज बननी चाहिए थी कहां पर? रेटिना पर। बन कहां पे रही है? रेटिना से पहले बन रही है कि नहीं? यस सर। बननी चाहिए थी। देखो हमने डिफेक्टेड आई क्या पढ़ा था? या तो इमेज अगर रेटिना पे बन रही है तो हमारी परफेक्ट आई है, अगर पहले बन रही है तब भी डिफेक्टेड है, बाद में बन रही है तब भी डिफेक्टेड है। इमेज पहले बने, पहले किसमें बनती है? मायोपिया में। बाद में किसमें बनेगी? हाइपर मायोपिया में। हाइपरमेट्रोपी अब हम इसका करेक्शन क्या करने वाले हैं? करेक्शन में क्या करेंगे? कॉनकेव लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस लगेगा। डाइवर्जिंग लेंस क्या करेगा? अच्छा एक बात, मेरी रे जब आ रही थी, ये पीछे देखते थोड़ा सा कहां गया भाई करेक्शन, ये रहा। देखो रे मेरी ये आ रही है, यहां से डिफ्लेक्ट होके मेरी यहां पर पहुंच रही है। अगर मैं इन्हीं को
कुछ चौड़ा कर दू, मान लो यहां से रे मान लो यहां पे आने लग जाए, थोड़ी सी चौड़ी हो जाए, मतलब डायवर्ज हो जाए, फैल जाए थोड़ी सी, तो क्या हो सकता है यहां से डायवर्ज हो गई यहां पे जाके मिल सकती है, ऐसा हो सकता है क्या? यस सर नो? यस सर। यस पहले बन रही है तो हम थोड़ी सी और चौड़ी कर दें उस रे को, मतलब जो रे बीम आ रही है, लिस्ट बहुत सारी रे आ रही है, उनको थोड़ा सा और चौड़ा कर दिया तो वो जाके हो सकता है कि हमारे रेटिना पे जाके मिल जाए, तो हम वही काम करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। एक बात बताओ, मायोपिया में डाइवर्जिंग लेंस ही क्यों लगाया? क्योंकि वहां पे हमारी इमेज पहले बन रही थी रेटिना से, तो डाइवर्जन हमें क्या चाहिए था, रे थोड़ी ज्यादा दूर चाहिए, जो कि डाइवर्ज होने के बाद में जो हमारे आई लेंस है वो हमारा एक ही जगह पे कंसंट्रेट कर दे, जो कि हमारा रेटिना है। अब देखो ये डिपेंड किस पे करता है, जैसे किसी की आंख में ज्यादा डिफेक्ट है तो हो सकता है उसकी आंख यहां से हो गई यहां पे आके मिल जाए रे उसकी यहां पे आके मिल जाए, हो सकता है कि उसकी आंख यहां पे आके मिल जाए ये वाली रे। आपको याद हो तो टाइम के साथ साथ हमारा नंबर चेंज भी होता रहता है, होता है कि नहीं? यस सर। है कुछ टाइम बाद हमारा यहाँ पे आ जाए, तो आप देखोगे 3/6 की आंखें हैं आपकी, 4/5 की आंखें हैं, इस टाइप के नंबर मिलते हैं, उन नंबर के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, चश्मा मिलता है। यस और नो? यस सर। वो एक्चुअली में क्या बताता है कि आपकी पोजीशन क्या है, रेटिना से कितना दूर बन रही है, उस लेवल का हमें डाइवर्जेंस करना है, उस लेवल का हमें इन रेज को फैलाना है कि कन्वर्ज होके रेटिना के पास में। हरी बात समझ में? यस सर। यस सर। अब क्या करते हैं, हम करेक्शन करते हैं भाई। कॉनकेव लेंस लगाया जो कि हमारा क्या कर रहा है, रेज को डाइवर्ज कर रहा है, यहां से थोड़ी सी उसने फैला दी, और अब जैसे ही फैली तो हमारा डाइवर्जेंस हो गया, डायरेक्ट इमेज बनने लगी रेटिना पे, और हमारा क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। हमारे यार चश्मा लगाने के बाद एकदम अच्छा दिखने लगा भाई, फिर तो पेपर भी मजे से पढ़ने पड़ पा। हरी बात समझ में? के ऑब्जेक्ट दिखने में प्रॉब्लम थी, इसलिए हमारी रेस क्या है, पैरेलल है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस। अब देखो yes, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसमें मायोपिया में क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्लियर दिखाई देते हैं, और दूर वाले ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अनक्लियर होते हैं। देखो इसमें ना दिक्कत क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष, सॉरी निकट दृष्टि दोष हिंदी में, निकट दृष्टि। देखो अगर कोई शब्द लिखने में दिक्कत हो जाए तो माफ करना, दोष यही है, इसे यही बोलते हैं। यस सर। देखो मायोपिया का मायोपिया का हिंदी मतलब नहीं पता है, लेकिन इसका तो पता था, नियर साइडनेस का। देखो होता क्या है, दोष का मतलब है हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें पना पास की चीजें दिखाई नहीं देती हूं, उल्टा होता है, उल्टा होता है, हमें पास की ही दिखाई देती है, दूर की नहीं देती। अब देखो फार पॉइंट, जैसे हमारा पास की इमेज गई यहां से गई, आराम से जाके इमेज वहां पे बन जाती है, तो डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल। क्यों आता है ये डिफेक्ट, एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल से आ सकता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस, एक्सेसिव कर्वेचर यानी कि ये ज्यादा कर्वेचर दे देंगे अगर आई लेंस को, तो भी क्या करेगा, हमारे लेंस की फोकल लेंथ डिस्टर्ब हो जाएगी, फोकल लेंथ डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, एफ क्या होती है, 1/r होती है कि नहीं होती है, बोलो। यस सर। यस सर। अगर मैं मिरर होता उसकी r/2 होती है, तो हमारे दोनों अपोजिट होते हैं भाई, तो अगर मेरा क्या करो, कर्वेचर बढ़ा दोगे तुम्हारी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो इमेज हमारी जो रेटिना पे बननी चाहिए थी उससे पहले बनाने लगेगा वो। हरी बात समझ में? यस सर। ओके। आईपीस मायोपिया आई क्या करती है, हमारी रे आई तो वो उससे पहले बना, द्वारा से उसी को बता दिया कि इमेज उससे पहले बनेगी तो हमको धुंधली सी इमेज बनेगी, थोड़ी सी धुंधली सी इमेज बनेगी, तो करेक्टेड कैसे करते हैं, हम कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस लगाते हैं उसके तो एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। देखो उसने कोई फोकल लेंथ बताई नहीं है, एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, एप्रोप्रिएट क्यों, या हो सकता है किसी को यही रोग हो
उसकी इमेज यहाँ पे बनती हो, किसी की इमेज मान लो यहाँ पे बनती है तो इसके अकॉर्डिंग, किसी की इमेज यहीं पे बनती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें देना पड़ेगा, किसी की इमेज यहाँ पे बनती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेंस देना पड़ेगा। मान लो इसके ये मान लो वन है, ये टू है, ये थ्री है, थ्री वाले को वन वाला लेंस दे दिया, वन वाले को थ्री वाला दे दिया, तो किसी का काम नहीं बना ना। थ्री देखो, थ्री वाले का वन वाले को दे दिया तो थ्री वाले की इमेज बनेगी यहाँ पे, उसको भी क्लियर नहीं दिखेगा। अगर वन वाले को थ्री वाला दे दिया तो थ्री वाले की बनेगी फिर यहाँ पे, उसका भी काम नहीं बना। तो एक्चुअल में जो नंबर होता है चश्मे का, जो आपको नंबर मिलता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर कोई भी हो या चश्मे वाला कोई भी हो, बिना नंबर के आपको आंखें मतलब बना के नहीं देगा, चश्मा बना के नहीं देगा, बोलेगा भाई ऐसे कैसे। हरी बात समझ में? यस सर। हमने क्या किया था, लेंस लगा दिया था, कॉनकेव लेंस, और हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसका पावर क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, पावर हमारा नेगेटिव होता है। क्लियर है सबको? हाँ ये इधर साथ ही है वो। अंजलि चौहान, बेटा माइक अनम्यूट ना किया करो। जब आपको पूछा जाए कि क्लियर है नहीं क्लियर है तभी माइक को म्यूट अनम्यूट किया करो, अदरवाइज जब आप नॉर्मल बैठे हुए हो तो माइक को अनम्यूट कर लोगे तो आपकी क्लास, आपकी जो वॉइस है वो क्लास में आएगी, जो कि बहुत डिस्टर्बिंग होगी। तो हम नहीं चाहते डिस्टर्ब करना, ना हो, ना तो होना चाहते हैं ना आपको करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा एक डिफेक्ट हो गया, कौन सा बचा भाई, दूसरा वाला कौन सा बचा? हाइपरमेट्रोपिया। तो हमारा ये हो चुका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या कहना चाहता है, दूर की चीजें दिखाई देती हैं या नहीं, दूर और पास? दूर की दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई देती हैं, ये दिखाई नहीं देती, क्या ऐसा ही है कुछ? ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइडनेस, फार साइडनेस का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें दूर की चीजें दिखाई देती हैं, पास की नहीं देती। मतलब हम अगर फार अवे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे तो वो तो क्लियर दिखाई देंगे, लेकिन पेपर जो है वो अपन को कैसा दिखाई देगा, धुंधला। देखो ये तो पीछे वाली चीजें क्लियर दिखाई देती, ये क्लियर है, दे रही है, लेकिन ये अनक्लियर है, इसमें नहीं पता चल रहा भाई क्या लिखा हुआ है पेपर में। आ रही बात समझ में बच्चों? यस सर। ठीक है, यस सर। देखो नॉर्मल आई क्या करती है हमारी, नॉर्मल आई में क्या होता है, हमारा जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उससे हमारी कोई रेज आ रही है, वो लेंस से डिफ्लेक्ट होके कहां बनेगी इमेज, उसकी रेटिना। ये तो हम उस वाले में फिक्स था, नॉर्मल आई तो भी नॉर्मल है ना, उसमें कोई डिफेक्ट ही नहीं है, तो उसकी इमेज तो हमेशा रेटिना पे बनेगी। लेकिन अगर डिफेक्टेड आई है जिसमें हाइपरमेट्रोपिया रोग है, उसको क्या करोगे? देखो डिफेक्टेड आई में देखो थोड़ा सा साइज छोटा हो रहा है, देख रहे हो आप? यस सर। देख रहे हो कि नहीं? यस सर। तो देखो yes. अब देखो, अगर या तो मेरा लेंस की वजह से हो सकता है या फिर साइज के छोटे होने की वजह से हो सकता है। देखो जैसे कि अभी देखो, जैसे मेरा एक नॉर्मल लेंस था, वो क्या करता था, यहां से ऐसे रेज आती थी, ये सीधी निकल जाती थी, इसको डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे बिठा देता था और इसको डिफ्लेक्ट करके यहाँ पे फिक्स रेटिना पे बन रही थी। अब क्या हुआ, हमारा साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। अब देखो क्या रेटिना से बाहर इमेज बनने लगी अपने आप, लेंस की नहीं है, आंख का साइज थोड़ा सा कम हो गया। जब फुल साइज की थी तो हमारा सही था, लेकिन जैसे ही हमारा जो रेटिना थोड़ा सा आगे आ गया तो क्या हो गया, इमेज कहां बनने लगी, रेटिना से बाहर बनने लगी। दिख रहा है? यस यस सर। पहले ये थी, ये मेरी करेक्ट वाली कंडीशन है, अब इसी में थोड़ा सा विड्थ कम हुई तो क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, इमेज बाहर बनने लगी। क्लियर है यहां तक?
अब देखो जरा थोड़ा सा, यहाँ से इमेज कहाँ पे बनेगी, देखो मेट्रो, मेट्रोपिया में देखो, इससे पहले, इससे पहले जो मेट्रोपिया था, मेट्रोपिया जो था, मायोपिया सर, मेट्रोपिया बोलो, मायोपिया में इमेज कहाँ पे बन रही थी, रेटिना से पहले। अरे मायोपिया में रेटिना से पहले बन रही थी ना इमेज। यस सर, यस सर। इसमें हाइपर माइट्रोपिया में कहाँ बनेगी, मेट्रोपिया में पीछे, रेटिना के बाद में। बड़ा डिफरेंस आ जाता है एक्चुअली, में आपके बोर्ड में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है, इसमें डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है कि हाइपर मेट्रोपिया में आपकी जो इमेज बनती है वो रेटिना के बाद में बनती है, रेटिना से आगे बनती है। तो हमारा जो रेटिना पे इमेज दिखती है वो धुंधली दिखने लगती है। आ रही बस समझ में। अब देखो यहाँ, डिफेक्ट अराइज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल, आईबॉल छोटी हो गई भाई, आईबॉल छोटी हो गई तो क्या हुआ, रेटिना हमारी पास में आ गई, और रेटिना अगर पास में आ गई तो जो इमेज थी वो रेटिना के पीछे जाके बनने लगी। पीछे बोलो चमका इतना। यस सर, यस सर। ओके सर, ना लाइट रेज, हाँ बेटा किसी को दिक्कत है क्या, द लाइट रेज फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट अराइविंग एट एनी लेंस गेट कन्वर्ज्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। हम यहां पर ऐसा ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि हमारी रेज को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज। भाई अगर देखो हमारा वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, हमारी जो इमेज बन रही थी वो पहले बन रही थी, पहले बन रही, तो हमें ऐसी रे चाहिए थी कि थोड़ी सी ज्यादा फैली हुई हो जो कि कन्वर्ज होने के बाद में लेंस उस पर पहुंच जाए। अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, हमारा ऑलरेडी बाहर बन रही है, ऑलरेडी बाहर बन रही है, तो क्या अगर मेरी रे यहाँ पे, यहाँ और यहाँ तक आए तो घूम के आ जाती यहाँ पे, एग्जैक्टली आती कि नहीं, नहीं आ रही बात। yes, रुको रुको पेज पर समझा। देखो पहले हम क्या करते हैं, मेट्रोपिया के देखते हैं, जैसे मान लो इससे पिछले वाला केस कि हमारी इमेज बननी थी यहाँ पे, यहाँ पे इमेज बननी थी, ये मेरा आई लेंस है, यहाँ पे मैंने कोई लेंस लगाया था, चलो अभी ये लेंस मैंने नहीं लगाया, तो अभी मैं मान लो ऐसे रे डाल रहा हूं और यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इमेज बनी, मतलब ये जो डिफ्लेक्ट करता था जितनी कैपेसिटी इसकी डिफ्लेक्ट करनी थी वो मैक्सिमम इसने कर दी, लेकिन फिर भी हमारी उससे आई, उससे रेटिना से पहले बन रही है इमेज। अब अगर मैं एक काम करूं, इनको थोड़ा सा और चौड़ा करके डालूं, अगर इन्हीं को, सॉरी इन्हीं को, इन्हीं रेस को क्या करूं, एक लेंस लगा देता हूं आगे, कौन सा, डाइवर्जिंग लेंस, ये क्या करेगा, इनको, इनको थोड़ा सा और चौड़ा कर देगा भाई, यहां से आ तो ऐसे रही होगी लेकिन ये क्या करेगा, डाइवर्ज करके यहां तक कर देगा, कर देगा कि नहीं कर देगा, बोलो। Yes, sir. यहाँ तक कर दिया, तो yes, अब जो मेरी इमेज बनेगी वो डाइवर्ज होके कहाँ पहुंच जाएगी, रेटिना को पहुंच जाएगी, बोलो क्लियर है। ये कैसा, पिछले वाला केस था। सिमिलरली इसी के तरह से क्या मैं बोलूं कि ये मेरा रेटिना, वो आई लेंस था, और मान लो कि मेरी ये रे आ रही थी यहां से, मान लो ये मेरा आईपीस है, रेटिना है, तो यहां से यहां पे डिफ्लेक्ट हो गए, यहां पे मेरी इमेज बन रही है, ये जब दूर है तब यहां पे जाके बना रहा है, क्या अगर ये मेरी थोड़ी सी पास आ जाए, अगर मैं इनके सामने कोई लेंस लगा दूं या कोई कन्वर्जिंग लेंस लगा दूं, तो ये क्या होगा, इन्हीं रेस को क्या कर देगा, मान लो यहां से रे आ रही थी, ये यहां से ये रे आ रही थी, इनको क्या कर देगा, थोड़ा सा पास पास कर देगा कि नहीं कर देगा, कर देगा, बोलो। यस सर, ये जब पास पास कर देगा, इस आई लेंस से जब पास होंगी तो सिंपली जाके कहां पे जाके मिल जाएंगे, रेटिना पे जाके मिल जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम मायोपिया में और हाइपर मायोपिया में ये लेंस डिफरेंट डिफरेंस क्यों यूज कर रहे हैं, मायोपिया में और हाइपर मायोपिया में हम अलग अलग लेंस यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ी, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे अगर कोई पूछे,
मायोपिया में हम डाइवर्जिंग लेंस क्यों यूज करते हैं और हाइपर मायोपिया में हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों यूज कर रहे हैं? मायोपिया में डाइवर्जिंग लेंस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा इमेज था वो रेटिना से पहले बन रहा, तो हमें चाहिए थोड़ा सा और डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा और डिफ्लेक्शन मिल जाए तो हमारी रे रेटिना पे जाके मिल जाएगी, तो हमें लाइट थोड़ी सी और दूर दूर हो तो जाके मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, डाइवर्जिंग लेंस लगाया क्योंकि आने वाली रेज को थोड़ा सा और फैला देगा, थोड़ा और फैलाएगा तो जाके हमारी रेटिना पे मिल जाएगी। सिमिलरली हाइपरमाइट्रोपिया में क्या होता था कि हमारी जो रेज थी, जो इमेज थी, वो रेटिना के पीछे जाके बन रही थी, रेटिना के पीछे जाके बन रही थी, तो क्या हो रहा था, तो प्रॉब्लम ये थी कि अपन को लानी थी रेटिना पर, तो मतलब ज्यादा चौड़ी थी इसीलिए तो डिफ्लेक्ट होके वहां तक पहुंच रही थी, इसीलिए डिफ्लेक्ट होके वहां तक पहुंच। देखो एक्चुअली में आपका थोड़ा सा टेंथ है, अगर ये यही ट्वेल्थ होता ना, ट्वेल्थ में भी पढ़ोगे सेम चीज पढ़ोगे ट्वेल्थ में, वहां पे आपको एंगल से समझाया जाएगा, एंगल से फॉर्मूला होगा इसका, वहां पर थोड़ा और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। लेकिन आप अभी इतना समझो कि हाइपरमेट्रोपिया में आपको अगर आगे लानी है तो उसकी विड्थ, जो हमारा फैलाव था, जो हमारे रेस का आने का जितनी चौड़ाई में आ रही थी, उसको थोड़ा सा कम कर दें तो हमारे रिफ्लेक्ट होकर रे हमारी रेटिना पे जाके मिल जाएंगी, तो उसके लिए हमने कन्वर्जिंग लेंस। बोलो चमका है भाई? यस सर। हटा देता हूँ इसको, तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो मैंने बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई? नो सर। ठीक है, अब देखो आईपीएस क्या करता है इसमें, हाइपरमेट्रोपिया में फार अवे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, फार अवे ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई देते हैं और नियर ऑब्जेक्ट अनक्लियर होते हैं। जैसे फार अवे ऑब्जेक्ट, ये तो नॉर्मल आई है फोकस पे बनेगा भाई, तो हमारा डिफेक्ट कैसे कैसे होते हैं, आई बॉल गेट फ्लैटर्ड, आई बॉल जो थी थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, पीछे से थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है, या फिर क्या हो, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस इज डिक्रीज। हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आई लेंस का हमारा थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए तो भी वो हमारा फोकल लेंथ को बढ़ा देता है, क्योंकि एफ क्या था, 1/r। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो हमारा कॉर्निया के पीछे जाके इमेज को बना देगा। अरे बात समझ में, उसके लिए हम क्या लगाए थे, कॉन्वेक्स लेंस लगाए थे जो कि कन्वर्जिंग था, रेज की चौड़ाई को कम कर दे रहा था। कन्वर्जिंग लेंस लगा के हमारी इमेज एग्जैक्टली वहीं पे आ गई, तो यहां पे हम बोलते हैं पावर हमारी क्या होती थी, पॉजिटिव होगी। बोलो मायोपिया एंड हाइपरमाइट्रोपिया क्लियर हुआ? यस। अब हम आते हैं तीसरा आई डिफेक्ट, एक और देखो आई डिफेक्ट एक और होता है, कौन सा ये, ओल्ड एज में होने वाला प्रेसबायोपिया। कौन सा? प्रेसबायोपिया। ये भैया ओनली ओल्ड एज में होता है, या फिर हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते थे इसको। तो ये एक्चुअली में ओल्ड एज मतलब प्लस 40 पे जाके होता है। और सर बोलोगे, सर हमारे राहुल गांधी जी 55 के 50 के आसपास होने के बाद में युवा नेता कहलाते हैं, हम 40 की एज पे ओल्ड कहलाने लगे, क्यों भाई? यस सर। भाई राहुल गांधी 50 प्लस हैं, अभी भी वो युवा नेता कहलाते हैं, मतलब वो युवा हैं अभी, तो 25-30 साल वाले क्या है फिर, बच्चे? अलग ही लेवल पर राजनीति होती है। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं, अपन को क्या करना राजनीति से। तो फार अवे ऑब्जेक्ट इनको क्या होता है, फार अवे ऑब्जेक्ट थोड़े से क्लियर दिखाई देते हैं, और क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट अनक्लियर दिखाई, लेकिन ये ओल्ड एज में ही होता है। अच्छा, नियर ऑफ द लेंस देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेकिन muscles near the lens lose their ability to change their focal length। भैया ये होता क्यों है? भैया जो muscles होती है ना, muscles जो होती हैं, जो बुढ़ापे में जाके थोड़ी सी कमजोर हो जाती है तो क्या करते हैं, कमजोर हो जाती तो क्या हो जाता है, अभी जो उनकी एबिलिटी होती है, उनकी जो एबिलिटी होती है चेंज करने की फोकल लेंथ को, वो खत्म हो जाती है।
वो खत्म हो जाती तो क्या होता है, जो नियर पॉइंट हमारा 25 सेंटीमीटर होता था, याद है 25 सेंटीमीटर कम से कम हम दूरी का देख सकते हैं भाई। अगर मैं एक बुक को ऐसे पढ़ रहा हूँ तो 25 सेंटीमीटर तक अगर मेरी डिस्टेंस है तब तो क्लियर पढ़ पाऊंगा। अगर मैं पास से पढ़ रहा हूँ ना, तो अगर मैं पढ़ने की कोशिश कर भी रहा हूँ तो 5 मिनट मैंने इतनी देर देख ली आपको हाथों को अपने को 2 सेकंड भी तो मेरे सिर में दर्द हो, मतलब एकदम हैवी सा हो जाता है, हैवी सा हो जाता है। अगर आपने 1 मिनट भी देख लिया ना, एकदम पूरे खोपड़ी में दर्द होने लगेगा। ऐसा करना नहीं है, लेकिन इसका करेक्शन क्या होता है फिर, करेक्शन क्या हो सकता है? अगर आपका फोकल लेंथ जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो रहा है दूर, दूर मतलब आपको जैसे थोड़ी सी ज्यादा डिस्टेंस की चीजें भी देखने में प्रॉब्लम होने लगी, तो क्या करोगे आप? तो कॉन्वेक्स लेंस लगाओ भाई। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है भाई? कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है रेस, कन्वर्ज करेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस जो दूर वाली चीजें जो जो हमें 25 सेंटीमीटर से ज्यादा थी उसको 25 सेंटीमीटर पर लेके आएगा डिस्टेंस को। आ रही बात समझ में? ये स्पेशल केस का वो है, स्पेशल वो है। तो आप बोलोगे कि आपको 25 सेंटीमीटर से ज्यादा अवे हो जाता है और हम कौन सा करेक्शन क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द सुइटेबल फोकल लेंथ, सुइटेबल फोकल लेंथ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि दोनों डिफेक्ट अगर हो, मायोपिया और हाइपरमाइट्रोपिया, सॉरी मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया, सम पीपल डेवलप अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेसमायोपिया इन विच दे आर एबल टू सी नियर एज वेल एज फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, क्लियर नॉट एबल टू सी पास के भी नहीं दिखते और दूर के भी नहीं दिखते। भैया अब क्या करें, क्या करें? बाईफोकल लेंस का मतलब समझाओगे बेटा आप एक बार? सर जिसमें मायोपिया के लिए कन्वेक्स लेंस होता है और बाकी के स्पेस में कनकेव लेंस होता है। यस, हमारा जो चश्मा होता है ना उसके भी दो पार्ट कर देते हैं। आप देखोगे नॉर्मली, अगर आप देखोगे तो आप दूर की चीजों कैसे देखते हो? ऊपर ऊपर फेस करके ऐसे करके देखते हो ना, तो मतलब आंखों का जो एरिया है वो चश्मे के ऊपर वाले हिस्से में फोकस करता है। दूर के लिए वहां पे लेंस लगा दो, और पास कैसे पढ़ोगे? ऐसे आंखों को नीचे करके पढ़ोगे। नीचे मतलब जैसे ये मान लो चश्मा, ठीक है, अगर मेरा ऐसे चश्मा लगा है तो ऊपर वाली चीजों को देखूंगा तो यहां से देखूंगा, ऊपर वाले इस वाले एरिया से। अगर नीचे पेपर पढ़ रहा हूं तो इस वाले एरिया से देखूंगा। यस और नो? यस सर। कुछ लोग देखा होगा चश्मे को किसका के नाक पे रख लेते हैं, यहाँ पे नाक पे रख लेते हैं, नाक पे रख के पढ़ते हैं, होता है कि नहीं? आपके स्कूल में भी होंगे, है किसी स्कूल में ऐसे मैम या सर जो नाक पर रख के पढ़ते हैं? यस सर, होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल मिल जाते हैं। तो हम वहां पे क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, सॉरी बाई फोकल लेंस होता है। देखो कैसा होता है, देखो आप इसमें देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? ये जो नीचे वाला सर्किल बना हुआ है ये अलग अलग डिजाइन अलग एरिया के लिए है, ऊपर वाला अलग एरिया के लिए। यस और नो? अब आप इसमें से भी देखोगे इमेज को, देखो ऊपर वाले में से पास वाली धुंधली दिख रही है लेकिन दूर वाली क्लियर दिख रही है, ऊपर वाले में से दिख रहा है। Yes, और देखो पास वाले में से ये पास वाला, ये नीचे वाला है, इसमें से पास वाली अच्छी दिख रही है, दूर वाली देखो धुंधली दिख रही है, दिख रही है कि नहीं? Yes, तो ये इसको हम बोलते हैं बाईफोकल। तो अपर पार्ट जो है, अपर पार्ट इज कॉनकेव टू करेक्ट मायोपिया, अपर पार्ट है जो करेक्ट करता है किसको? मायोपिया रोग को।
और लोअर पार्ट है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। ये इसका भी इलाज निकाल लिया, लेकिन ये उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है ना ऐसे करके देख रहे समझ में नहीं आता भाई, बस ये मान लो कॉम्बिनेशन से दिख जाता है वो चीजें कुछ कुछ। तो ये एक कॉम्बिनेशन है कि भाई अगर किसी को दोनों ही बीमारी है तब क्या, तो हम उसको बाइफोकल लेंस। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब मैं एक डिफरेंस होने वाला है हमारा, तो एक एक डिफरेंस में पूछूंगा सबसे। हैंड रेस करिएगा, हैंड रेस। फर्स्ट डिफरेंस कौन बताएगा दोनों में, कौन कौन बताना चाहेगा? फर्स्ट डिफरेंस मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अनमोल चौधरी, अनमोल चौधरी, अनमोल, अमोलिका, सॉरी अमोलिका, 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 अनमोल बोल रहा हूँ, अमोलिका चौधरी। सर मायोपिया में, सर मायोपिया में हमें पास वाली चीजें दिखाई देती है और हाइपरमेट्रोपिया में हमें दूर वाली चीजें साफ दिखाई देती है। ओके, साक्षी, यही वाला मतलब फर्स्ट, या फिर चलो सेकंड, आप कोई और बताओ, कोई और बताओ एक। सर मायोपिया में कनकेव लेंस यूज होता है और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज होता है। मायोपिया में आपका कनकेव लेंस यूज होता है और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस यूज होता है। अच्छा ठीक है, कोई ये बताना चाहेगा कि मायोपिया में कॉनकेव क्यों होता है, व्हाई? सर क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है तो जिससे जो रेज होती है वो पीछे फिर बनती है, वरना वो रेटिना से आगे बनती है। मायोपिया में इमेज कहाँ पे बनती है? सर रेटिना से आगे। हाइपरमेट्रोपिया में? सर रेटिना से पीछे। ठीक है, ओके, वेल डन, वेल डन सौरभ। ओके सेकंड कोई बताएगा? पलक, पलक आप बताओगे सेकंड, कोई सेकंड डिफरेंस? सर मायोपिया में जो इमेज है वो रेटिना के फ्रंट में होती है और जो हाइपरमेट्रोपिया में जो ऑब्जेक्ट इमेज बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। ओके आप कोई और थर्ड बताना चाहेगा, कोई थर्ड? थर्ड बताएगा अंगुलिका, अंगुलिका चौधरी बताओ, आप ही बताओ। सर मायोपिया में हमें दूर वाली चीजें अनक्लियर दिखाई देती हैं और ये हो चुका है। ये सबसे पहले बताया था आई थिंक अमोलिका ने। हमको मैं हिंट दे दूं, एक में आंख बड़ी हो रही थी, एक में छुट्टी हो रही थी, किस में बड़ी किस में छुट्टी? सर मायोपिया में आई बॉल बड़ी हो रही थी और हाइपरमेट्रोपिया में छोटी हो रही थी। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। मायोपिया में देखो एक एक करके करते स्टार्ट। सबसे पहला डिफरेंस, अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट इन मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन कैन सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, सेकंड वाला देखो, this defect arises due to the elongation of eyeball. जो eyeball है उसके elongation की वजह से होता है। Similarly, ये defect, this defect arises due to the flattern, flattering, flattering मतलब पीछे से छोटा सा पिचक जाती है। अरे थोड़ी सी पीछे से आपको याद हो तो जैसे हमारी आई थी मान लो ये, ठीक है, तो ये पीछे से थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, मतलब इस टाइप की हो जाती है। तो एक्चुअल में होनी चाहिए थी ये, हो गई ये, तो हमारा जो इमेज बन रहा था पहले यहाँ पे बन रहा था वो ऑलरेडी, अब रेटिना जब यहाँ पे आ गई तो यहीं पे बन रहा है, फिर भी हमारा आई में डिफेक्ट। लेंस की कोई गलती नहीं है, बेचारी आंख ही फ्लैट हो गई तो वो क्या। सिमिलरली मायोपिया में भी होता है, मायोपिया में क्या होता है, हमारी रेटिना होती थी यहाँ पे लेकिन एक्सपेंड होके वो हो गई
यहाँ पे लेंस के बेचारे की कोई गलती नहीं, वो पहले भी इमेज यहीं पे बना रहा था, अभी भी इमेज यहीं पे बना रहा है, लेकिन रेटिना पीछे चली गई ना, तो हमारा उस डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? मायोपिया बोलेंगे। बोलो चमका यस है भाई। यस इस वाले डिफेक्ट में, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में, अगर आप देखो कि लेंस की कोई गलती नहीं है, अगर आईबॉल ही छोटी बड़ी हो रही है, भैया एक बात बताओ आपने क्या किया, विकेट गड़ी हुई है कहीं पे, थ्रो मारा जोर से, अगर आपने थ्रो मार दिया उसके बाद विकेट ही दूसरी जगह हट के बैठ गई, तो आपकी थोड़ी ना गलती। जैसे मान लो ये है विकेट, मैं इसमें दूर से बॉल मार रहा हूं, जैसे ही मैंने बॉल अपने हाथ से छोड़ी विकेट यहां पे आ गई, तो ये मेरी गलती थोड़ी ना, मैंने थ्रो मारा है, ये विकेट की गलती है भाई, वो अपनी जगह से हट चुकी है। यस और नो? यस सर नहीं, कल ही का क्रिकेट हुआ यस है, कल कल का क्रिकेट नहीं देखा था T20? देखा है सर यस तो फिर सर्कल का नहीं देखा। कल का नहीं देखा? 2 सुपर ओवर हुए थे कल, 2 बार मैच टाई हुआ था। ठीक है, थर्ड देखते हैं। द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती थी? इन फ्रंट ऑफ रेटिना। भैया रेटिना अगर पीछे भाग जाएगी तो इमेज तो पहले बनेगी, रेटिना पीछे भाग जाएगी तो इमेज तो उसी जगह पे जब पहले बन रही थी वहीं पे बन रही है, लेकिन रेटिना ही पीछे भाग गई तो उसके पहले बनेगी इमेज। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना आगे आगे तो इमेज तो पीछे बनेगी। यस और नो? यस सिमिलरली सर फोर्थ, दिस डिफेक्ट करेक्टेड बाई द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ सुइटेबल फोकल लेंथ। इस डिफेक्ट को हम दूर कर सकते हैं कॉनकेव लेंस ऑफ सुइटेबल फोकल लेंथ। देखो सुइटेबल हमेशा यहां पे कोई भी फिक्स फोकल लेंथ नहीं बता रहा है, सुइटेबल फोकल लेंथ बता रहा है। सुइटेबल फोकल लेंथ इसलिए बता रहा है क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी, ये पर्सन टू पर्सन वेरी भी करेगी, क्योंकि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास में ही चश्मा लग जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनके 40 तक 50 तक चश्मा नहीं लगता, होता है ना ऐसा, यस सर यस तो वो किसी को फैमिली की प्रॉब्लम चली आ रही है उस वजह से लगा हो, या फिर खान पीन का भी फर्क पड़ता है, थोड़ा सा खान पीन का भी फर्क पड़ता है कि अगर आप डेली पिज्जा समोसा खा रहे हो तो हर चीज जल्दी बर्बाद होगी कैसे बॉडी की, बाहर का खाना ज्यादा से ज्यादा खाओगे तो चीजें जल्दी से, आप तो बायो बायो वाले स्टूडेंट हो ना, ये सारी चीज जानते भी होगे। कुछ लोग बोलोगे सर लेकिन जब बाहर के गोलगप्पे और समोसे और पेटीज ये सब दिखती है ना तो मन नहीं मानता, ऐसा है? पहले खाते थे अब तो कम खाया करो बाहर का हमेशा बेटा, मम्मा का खाना भले ही कम टेस्टी लगे लेकिन उससे बेस्ट खाना कोई नहीं है, कम कर। यस सबसे बेस्ट खाना बना। सौरभ हाँ बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो सौरभ? सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ हाँ बताओ। जे इसमें आई डिफेक्ट्स में जो है हमारा आई मसल वीक हो जाता है, तो जब हम बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो उसे आई मसल जो है स्ट्रांग होते हैं, तो आई एक्सरसाइज से नहीं हो सकते हैं आई मसल स्ट्रांग? बेटा वीक कब होते हैं? बुढ़ापे में जाके। एक बात बताओ, आप ना अपने दादाजी को कितने भी बादाम खिलाओ, कितने भी बादाम खिलाओ, वो दौड़ करने तो नहीं जा सकते ना, नो सर एक एज तक आई एक्सरसाइज से हो जाएंगे, जैसे 40 50 तक की हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई 70 इयर्स की कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कितना भी बादाम खिलाओ कितना भी घी खिलाओ वो नहीं हो सकते, एक एज पे जाके हर चीज काम छोड़ना बंद करती है। समझ में आ रही है सौरभ? भाई यस सर एक एज फैक्टर भी तो होता है, हर चीज की एक एज होती है, जैसे अगर ऐसा ही होता तो कभी भी कोई एक्टर मरता ही ना,
एक्टरों के पास पैसे की कमी थोड़ी ना होती है, वो तो बुढ़ापे में 80 साल में जाके अपनी एक्सरसाइज करके अच्छा खाना पीना खा के अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, लेकिन क्या रख पाते हैं? वो नहीं रख पाते ना। सौरभ बता रही समझ में? तो एक एज पे जाके हर एक चीज काम छोड़ती है, तो ऐसे ही हमारी आई मसल्स भी होती है। आई मसल्स आप ठीक कर सकते हो, लेकिन कब तक? जब तक आपकी एज है, मतलब ठीक ठाक 50 तक आराम से कर सकते हो, लेकिन आप 60-70 पे पहुंच गए, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मुझे सिर्फ एक्स। हाँ, अगर आप ओनली तभी बोल रहे हो कि नहीं सर मैं आई एक्सरसाइज से ही कर दूंगा, तो मे बी 99% तो शायद नहीं होगी सर। सर लो एज पे बोल रहा हूँ सर, क्या बेटा? सर कम एज के लिए बोल रहा हूँ सर। हाँ, कम एज पे हो जाएगा, कम एज पे। अरे आपको याद हो तो ये जो आयुर्वेद का कितना वो चल रहा है, जो है ना पतंजलि, रामदेव, पतंजलि, पतंजलि के इस वो हैं रामदेव, रामदेव बाबा के योगासन हैं, वो बीमारियों को योग के थ्रू ठीक करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो ऐसे ही तो करते हैं जैसा आप बता रहे हो। जैसे किसी का बीपी है तो बीपी की जड़ तक पहुंचते हैं, बॉडी के किस पार्ट की वजह से, किसकी वजह से बीपी होता है, फिर उसका अपोजिट काम करवाते हैं उससे, कि तुम्हारा बढ़ा था ये चीज खा के ऐसे लेटे हुए रहने से, अब तुम ये काम करो और ये चीज खाओ, तब जाके तुम्हारा ठीक होगा। और उनका ठीक होता है बिना दवाइयों के, और दवाइयाँ वो देते भी हैं। तो कैसी देते हैं? नीम का पत्ते वत्ते इस टाइप की दवाइयां देते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां देते हैं, लेकिन वो प्रोसेस जो होता है ना थोड़ा लंबा होता है। एक्चुअली बात ये होती है, इसीलिए लोग और लोगों को चाहिए इंस्टेंट सॉल्यूशन, आजकल इंस्टेंट ही चाहिए ना। बोलो। इसीलिए उसको थोड़ा सा लोग कम प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर उसको प्रेफर करने लग जाए तो थोड़ा सा जो ह्यूमन एज है वो बढ़ जाएगी। आप तो पढ़ते होंगे उसमें बायोलॉजी, जूलॉजी में, जो पेड़ों के साथ क्या क्या हो रहा है, जीन चेंज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ज्यादा तो मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं बायो की, क्योंकि भाई प्रोफेशन में इंजीनियर हूं ना, बीटेक किया मैंने, तो मतलब बायो का दूर दूर, हाई स्कूल से पहले तक का नाता था, उससे पहले, उसके बाद में बायो से नाता है ही नहीं। बायो के वर्ड मेरे को बहुत टफ लगते थे जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ता था तब, इसलिए मैंने बायो तो मैंने छूना ही नहीं है, देखना ही नहीं है बायो की तरफ। सर बायो इजी है मैथ से। नहीं, मेरे को मैथ इजी लगता था ना, मेरे को मैथ इतना अच्छा लगता था, एकदम मजेदार मैथ आ गया, मतलब ऐसा लगता था जैसे जन्नत, कि वाह मैथ आ गया, सारी रात पढ़ सकता हूँ मैं। लेकिन अगर हाई स्कूल में थी ना बायो, तो कान में कितनी हड्डियां होती है कान में? सर तीन, सर तीन, मेरे को याद नहीं है। तो इनके नाम होते थे कुछ, इनके इनके नाम होते थे, है ना। तो वो मैम ने, एक ने हाई स्कूल में थी, मेरे को बहुत मार पड़ी थी इनके लिए, मेरे को याद ही नहीं होती थी कभी। बट होता क्या था ना, मैं कान की याद करके गया तो उन्होंने किसी और की पूछ ली नाम पूछ दी थी। तो मैंने, यार ये बायो से पाला नहीं पड़ेगा, बालक बायो से हमारा नाता दूर दूर तक रिश्ता रहा ही नहीं है तभी से, इससे अच्छा तो केमिस्ट्री ठीक है। चलो फिजिक्स तो है ही, माशाल्लाह फिजिक्स की तो बात ही अलग है। ठीक है चलो, बहुत हो गई गप्पे। हमारे भी एक सर आंसर ठीक दे दो फिर भी वो क्यों के पीछे भागते हैं। कौन से सर? सर हमारे एसएसटी के सर है, अगर आंसर ठीक भी हो और क्यों का आंसर नहीं दिया तो मार पड़ेगी। हर जगह क्यों का आंसर नहीं होता भाई, क्यों का आंसर काफी हद तक है। क्यों का आंसर चाहिए, काफी हद तक होते हैं क्यों के आंसर, लेकिन हर जगह क्यों का आंसर नहीं होता। ठीक है चलो, हम अब हमने लास्ट क्या है, दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाई यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुइटेबल फोकल लेंथ। इसको किसकी हेल्प से करते थे? कॉन्वेक्स लेंस की से। इसको किसकी हेल्प से करते थे? कॉनकेव लेंस की हेल्प से। तो ये बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तीनों डिफेक्ट्स में? है भाई? नो सर। क्लियर है? तो फिर हमारे तीनों डिफेक्ट हो गए, तो फिर चलते हैं।
ठीक है, तीनों डिफेक्ट हो गए। फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? यस सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट। गुड नाइट।